Hi everyone, this is Vishal and you're watching Technalist. So before we get started, please subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video from Technalist. So before we actually start, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है मेरी पुरानी वीडियो के कमेंट्स में कि मैं वीडियोस हिंदी में बनाऊं, तो अब से मैं वीडियोस हिंदी में ही बनाऊंगा एंड जो कमेंट्स की थी वो मैंने सारी डिलीट्स कर दी है. तो वैसे भी मुझे इंग्लिश वीडियोस में कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, सो अब से हिंदी वीडियोस ही मिलेगी. तो आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं. तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि स्कैम हो रहा है हमारे साथ 99acres एंड और सारी प्रॉपर्टी वेबसाइट्स पे. तो वो स्कैम मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप उस स्कैम से दूर रहे, उस स्कैम से बच पाए. तो शुरुआत करते हैं वीडियो की. तो कुछ दिन पहले मैंने एक प्रॉपर्टी सर्च की थी सनटेक वेस्ट वर्ल्ड 99acres पे. ये प्रॉपर्टी नायगांव में बिल्ड हो रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है. तो अभी मैंने बिल्डर के ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके पहले इंक्वायरी की थी कि उनका एरिया कितना है, प्राइसिंग कितनी है, देन मैंने 99acres पे सर्च किया था. सो बिल्डर की वेबसाइट पे जाने के बाद मुझे पता चला कि 2 BHK का एरिया अराउंड 550 स्क्वायर फीट है, सुपर एरिया. एंड जब मैं 99acres पे जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे उसी बिल्डिंग का मैक्सिमम एरिया 700 स्क्वायर फीट जाता है. जिस इस एरिया के फ्लैट्स उस बिल्डिंग में बनाए ही नहीं गए हैं, तो वो ब्रोकर बेच कैसे रहा है. तो ऐसे ऐसे स्कैम होते हैं ऐसी वेबसाइट्स पे. सिर्फ 99acres पे नहीं, आप मैजिक ब्रिक्स पे जाओ, housing.com पे जाओ, नो ब्रोकर पे जाओ, आपको हर जगह ऐसे स्कैम मिलेंगे. तो आपको पहले बिल्डर से ऑफिशियली इंक्वायरी करके आप ब्रोकर से डील कीजिए. अदरवाइज आपको ब्रोकर के पास जाना ही नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली बिल्डर के ऑफिस जाइए. अगर वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन भी नहीं है तो उसका एक सेल्स ऑफिस होगा ग्राउंड फ्लोर पे या किसी और फ्लोर पे, जहाँ पे वो फ्लैट्स कौन से फ्लैट्स उनको रेंट पे देने हैं या उनको बाय करने के लिए ऑप्शंस है वहाँ पे. तो वहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा एंड ऑफिशियल प्राइसिंग मिलेगी, आप वहाँ डिस्कस भी कर सकते हो उनके साथ. सो आप डायरेक्टली बिल्डर से कॉन्टेक्ट कीजिए, ऐसे ब्रोकर्स से आप कॉन्टेक्ट मत कीजिए, बिकॉज वो तो आपको बेच के चले जाएंगे. बट जब बिल्डिंग पूरी तरह कंस्ट्रक्ट हो जाएगी तब आपको पता चलेगा कि उसने तो 800 स्क्वायर फीट बोला था पर ये तो 550 स्क्वायर फीट ही है. तो ऐसे स्कैम्स भी होते हैं. सो बस यही बताना था मुझे इस वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना भूलिएगा मत और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को